पानी के संग में खा लिए, मिथिले की सुई पानी पी लिया, मिथिले की सुई पानी पी लिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा। तो फ्रेंड ये लीजिए, आज हम हाजिर है अपने इंटरेस्टिंग भैया का चैलेंज में, क्योंकि फ्रेंड आज हम स्ट्रीट पे चैलेंज करने वाले हैं। आज हमको एक अंकल जी दिखे, अंकल जी आलू की कचौड़ी और फ्रेंड दाल की कचौड़ी बेच रहे हैं, वो भी डलिए में रख के सिर पे रख के बेचते हैं। फ्रेंड वो वाले अंकल जी है, और आपको मैं अंकल जी से मिलाऊँ, उससे पहले कमल भैया से मिल लीजिए। कमल भैया तैयार हो? कमल भैया की गुजारिश हम रुके, कमल भैया ने कही ये कचौड़ी मैं काफ़ी खाता हूँ, जब भी बाजार में मार्केट में जाता हूँ तो काफ़ी बेचते हुए मिल जाते हैं। सिर्फ कमल भाई बड़े रहम दिल हैं और कह रहे थे कि इनकी अंकल जी की बिक्री नहीं हो रही है, तो हम आज इनकी बिक्री करा देते हैं पूरी दिन की। आज अंकल जी की पूरे दिन की बिक्री करनी है, तो अपन चलिए मैं मिलाता हूँ अंकल जी से। जो अंकल जी क्या बेच रहे हो? कचौड़ी। कौन सी कचौड़ी? आलू की है, दाल की है। आलू की दाल की कचौड़ी। अभी रुक जाओ, मैं कहूँगा जब देना। कचौड़ी सिल करते हैं, कचौड़ी किस किस के साथ देते हो? चटनी के साथ, सब्जी के साथ। और चटनी के साथ, चटनी किसकी बनती है? लाल मिर्च की, सूखा धनिया, खटियाई। लाल मिर्च की, सूखा धनिया, खटियाई। आलू, आलू की सब्जी, रसीली। और ये कचौड़ी घर पर बनाते हो? अपना खुद बना के बेचते हो? घर पर बनाते हो। तो फिर अंकल जी खुद बना के बेचते हैं कचौड़ियाँ, कब से बेच रहे हो? मेरे काफ़ी साल हो गए। कितनी साल हो गए? 50-60 साल तो हो गए। तो फ्रेंड अंकल जी को 50-60 साल हो गई, मतलब पूरी उम्र अंकल जी की ये कचौड़ियाँ बेचते निकल गई। पूछूंगा कि 50-60 साल में आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया है जिसने कितनी कचौड़ी खा ली है? कितने तक खाई है? आज खा लिया है। 15 तुमने खाते ही देख लिया है? तो फिर अंकल जी का इतना बड़ा, इतने साल का एक्सपीरियंस तो कोई तो इतना आएगा। तो फ्रेंड 10-8 तो खाई अंकल जी के नज़र में, 10-8 आराम से खा गए। तो अंकल जी का एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है और काफ़ी टाइम से बना रहे हैं। आप कचौड़ियाँ देख सकते हो अंकल जी की, ये बढ़िया बढ़िया मज़ेदार मज़ेदार कचौड़ियाँ। ये दाल की है? ये दाल की है। ये फ्रेंड दाल की है? ये आलू की है। ये आलू की कचौड़ी है। और मैंने अंकल जी के साथ उनका लड़का और देखा था, लड़का भी आपके साथ रहता है? लड़का संग में लेकर चला गया है। तो अंकल जी का एक छोटा सा लड़का भी है, वो भी उनके साथ रहता है, लेकिन अभी वो काम करता है। काम करता है ना वो? काम नहीं करता, वो पढ़ने जाता है। पढ़ने जाता है? और नहीं जाएगी खत्म हुई थी जब जब वो उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। अच्छा, लड़की कितनी बड़ी थी? लड़की कोई 5-6 साल की लड़की बड़ी थी। तो फ्रेंड्स इनका जो लड़का है वो भी पढ़ने जाता था, उन्हें जाना बंद कर दिया, कारण अंकल जी ने आपको बता ही दिया। तो अब बाकी मैं पूछूंगा, पूरे दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? पूरे दिन में 250 भी मिल जाते हैं, 400 भी मिल जाते हैं, 300 भी मिल जाते हैं बाबू। तो फ्रेंड 250-300-400 इनकी पूरे दिन की कमाई है, तो हम देखते हैं कि कमाई को पूरा कर पाते कि नहीं, कितनी खाद छोड़िए खा पाते कि नहीं। तो फ्रेंड चैलेंज करने वाले हम अंकल जी को बता देते हो, एक जना हमारे अंदाज से कमलिया कितने खा जाओगे? 20 कौन ये कह रहे 20 खा जाएंगे, और बिना ही तुम कितने खा जाओगे? नहीं तो मैं तो बताता ही नहीं हूँ कभी चैलेंज में, कितनी खा जाओगे? तो कमल पड़ेगी ना सब्जी, हल्की हल्की डाल देते पानी सामने मिल जाए बोतल आपको, दोनों खा गए एक संग खा गए, बस लग रही। अंकल जी लगा रहे हैं पानी तो माल है। ये आलू की कचौड़ियाँ ली हैं, 10 की 2 कचौड़ियाँ हैं, पानी पानी। तो फ्रेंड मेरी अंकल जी की रसीले आलू की सब्जी एकदम मज़ेदार, और ये रहे देखियो इनकी कचौड़ियाँ। शरीर देख के भाई, सकल शरीर देख के 10 या 15 तक खा जाएंगे। तो फिर 10 या 15 तक खा जाएंगे अंकल जी का अंदाजा मुझे लगता है लगभग सही जाने वाला है। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे मुझे पहले ही, क्योंकि बिना भाई का अंदाजा लगाया है, इनकी सकल देख के पेट देख के 10 या 10 तक 15 तक खा सकते हैं। तो बिना भाई तैयार? कमल जी तैयार? अंकल जी खिलाने के लिए तैयार? तो 3-2-1 गो स्टार्ट। तो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा खा लेता है कचौड़ियाँ, और ये चैलेंज हो गया स्टार्ट। अंकल जी रखते जा रहे हैं 2-2 करके दोने में, अंकल जी के दोने में ज़्यादा बिगाड़ेंगे नहीं, एक ही दोने में चलने दो चैलेंज। तो टेस्ट कैसा है? मस्त। और बिना ही कैसा टेस्ट है? थोड़ा टेस्ट बढ़िया है कचौड़ियों का। तो अंकल जी को खिलाने दो और उनको खाने दो। तो अभी टारगेट आप देख रहे हो, तो कमल बिन भाई ने खा ली अपनी 4 कचौड़ियाँ, कमल भाई ने खाई अपनी 2 कचौड़ियाँ, 2 कचौड़ियाँ और गई कमल भाई के दोने में 6। कितनी खा ली तुमने? 4 खा ली, जिन सुनना 4 खा ली, छठवीं है।
तो फिर कमल भाई ने भी चार खा ली, बिनोई ने भी चार खा ली और बिनोई दो दो एक साथ टूट रहे, बिनोई के कम जवाब नहीं थी। अंकल जी कैसा लग रहा है इन भूखों को देख के? अंकल जी के चेहरे के पास स्माइल। ये जनवन जनवन के भूखे आए तुम्हारे पास? तुम समझेंगे, खान दो पहले। अंकल जी कह रहे जी बढ़िया है। तुम्हारे टोकरी कचौड़ी वाले अंकल जी देख के एकदम मुस्का गए। अंकल जी के चेहरे पे सवाल देख रहे हो, खिलाते समय मतलब मालवा आज मेरी पूरी पूरी बिक्री हो जाने वाली है एक दिन की अच्छी तरह से। अंकल जी कितने 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 जन्म के भूखे लग रहे हैं तुमको ये? अंकल जी के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी तो खाना शुरू किया है, अभी अंकल जी खुद कहने लग जाएंगे कि हाँ भैया आए जन्म जन्म के भूखे। और फ्रेंड ये इनका लड़का है, आप लड़के को देख रहे हो, ये कैमरे के सामने से भाग रहा है और ये इनके साथ रहता है। अभी मैं मिलाऊंगा भी छोटे वाले लड़के से भी, लेकिन अभी चैलेंज चालू है तो सोच ही सकते हो। अभी कमलाई कितनी खा सकते हो अभी कुछ पता नहीं है, मुझे तो पता है 10 कंप्लीट होगी कमलाई की और बिना भाई की भी 10 से ऊपर हुई होंगी और बिना भाई भी ठूसा ठूस लगे हुए हैं। तो फ्रेंड अभी दोनों की मेरे हिसाब से 10 से ऊपर हो गई है। अंकल जी कितनी कितनी होगी तुम क्या लगता है? मैं गिनाते आ रहा हूँ, गिनती आप करो भाई। तो कैमरा द्वारा चला के देखना पड़ेगा। तो पूरे दिन की कमाई आज हम कर देंगे, हमने बोल दिया है, हम खा के कमाई करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। छोटू कैसा लग रहा है देख के? अच्छा लग रहा है छोटू, कह रहा है ये हो क्या रहा है। बिना भाई की 20 कंप्लीट हो गई और बाकी कमल भाई की 30 जी कितनी कितनी खा गए? 30 से ऊपर है इनकी, 30 से ऊपर है, इतनी गई। अंकल जी देख मैं जो भी हो, अंकल जी की जब टोकरी देख रहे थे यहाँ पे ढेर सारी कचौड़ियाँ भरी हुई थी। टोकरी खाली होने पे आ गई अंकल जी की। अंकल जी के चेहरे पे स्माइल आप देख सकते हो, कर्री वाली स्माइल है इस टाइम पे अंकल जी के चेहरे पर। कितनी हो गई भैया की? 32 हो गई है। 25 और तुम तो कहीं सकते हो तुम्हारा रिकॉर्ड टूट गया, कभी तुमने इतनी खाती नहीं देखी। मैंने आपसे पहली कह दिया, मैं तो तुमने आज पहली बार देखा होगा इतनी खाती हो किसी को। उसको तुम अभी तो हम तुम्हारी और खाए हैं 15, लेकिन अब रुको ज़्यादा नुकसान कर जाएंगे क्योंकि हम और कहीं जाना और कहीं वाली बात। तो उसने कितनी खा ली? उनकी नहीं मालूम है मेरे को, इनकी तो मालूम है। तो कमल भाई की नहीं पता है, लेकिन भैया की बता दी करीब 25 खाली भैया ने, 25 और अंकल जी की टोकरी खाली हो गई इधर से, जो आलू वाली कचौड़ी थी वो गायब हो गई आलू वाली, और एक बोतल पानी एक लीटर भी खत्म, पानी की बोतल भी घटक ली बिना आई ने, पानी के संग खा लिए, मिर्च लगी सोई पानी पी लिया, मिर्च लगी सोई पानी पी लिया, मिर्च लगी सोई पानी पी लिया। कचौड़ी कैसी लगी आपको? एकदम मस्त, बढ़िया लगी। गुड, कैसी लगी?
तो मैम मजे आगे आगे कचौड़ियाँ तो अंकल जी की क्या सर तो 40 और 5 नहीं होगी 45 नहीं हो गई 20 और 25 45 हो गई बच्ची कचौड़ी तो इनकी हो गई हाँ 20 बाकी 45 रह गई दो कचौड़ी अभी जिंदगी इन्हें को खाओ जिंदगी रखी है 52 हो गई पता नहीं बोलो 45 47 हो गई अब 47 कितने की हो गई अभी बुलाई हो हमें सस्ती है अरे जा बढ़िया है तो बता कितनी अरे कोई बात नहीं 5 रुपए के हिसाब से ना ठीक है 300 हो गए ठीक है 100 रुपए वापस कर दो तो हो गई पूरे दिन की कमाई हो गई हो गई तो भाई अंकल जी की हो गई पूरे दिन की कमाई अंकल जी खुश और छोटू भी कस छोटू पता नहीं काम आग रहा है छोटू अरे सब लोग देखेंगे तो है और अंकल जी काफ़ी खुश है आज अंकल जी की वीडियो बन गई तो अंकल जी को वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल पे हमारे बुकर नंबर 1 चैनल पे देख सकते हो आराम से और कल ही आ जाएगी कल आप देख सकते हो ठीक है तो चलिए अंकल जी से रहते बाय 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 कर